वेलकम बैक दोस्तों, आज का आईपीएल मैच खेलने वाले दिल्ली और गुजरात के बीच में जो होने वाला सुपर ओवर और आज में सपोर्ट करने वाला दिल्ली को, चलिए मैच को शुरू करते हैं। टॉस का यहां पर समय हो चुका है और दिल्ली ने उछाला है कॉइन, तो ले लेंगे आज हम लोग हेड। देखते हैं क्या होता, टॉस जीत पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ओपनिंग डिसाइड करेगी टॉस को। तो यहाँ पर हमें बैटिंग दे दिया है और गुजरात ने बॉलिंग ले लिया है। बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं दिल्ली के बैट्समैन और यहाँ पर बैटिंग में उतर है ट्रेविड वार्नर। और यहाँ पर फर्स्ट बॉल डालते हुए डेविड वार्नर को और यह मार दिया हवा में, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं थी। एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा वार्नर को, लेकिन दो रन मिलते हुए शानदार रनिंग। और यहाँ पर राशिद खान दूसरी बॉल डालते हुए वार्नर को और वार्नर इसे घुमा के मार दिया है और बॉल गई इस चार रनों के लिए। तो रिप्ले देखने पड़े, क्या शानदार शॉट मारा है यहाँ पर वार्नर ने। और यहाँ पर तीसरी बॉल डालते हुए राशिद खान वार्नर को इसे भी घुमा दिया, टाइमिंग शानदार चार रनों के लिए। पीछे हट के मारा है शॉट को, शानदार यहाँ पर शॉट वार्नर के द्वारा। और यहाँ पर चौथी बॉल डालने तैयार है राशिद खान, बॉल को रखा थोड़ा सा आगे, उठा के मार दिया है, टाइमिंग अच्छी नहीं था, डायरेक्शन यहाँ पर बच गए आउट होने से ये रन मिलते हुए। और पांचवी बॉल यहाँ पर डालने वाले राशिद खान और इसे मारा है, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा वार्नर को। Keeps the score ticking over with that shot. स्ट्राइक पा चुके ऋषम पंत बैटिंग करने के लिए, देखते हैं लास्ट बॉल पे क्या कमाल कर पाते हैं। तो यहाँ पर राशिद खान बॉल डालते हुए ऋषभ पंत को, ऋषभ पंत घुमा के मारते हुए बॉल को, शानदार चौका यहाँ पर ऋषभ पंत के द्वारा। बहुत ही शानदार शॉट मारा ऋषभ पंत ने यहाँ, बॉल गई चार रनों के लिए। गुजरात को चाहिए 6 बॉल पे 16 रन जीतने के लिए। बॉलिंग करने आ रहे हैं के यादव और स्ट्राइक पे है डब्ल्यू साहा। This target is such a mammoth task, but they'll need to believe they are able to chase it, or they certainly won't. पहली बॉल यहाँ पर डाल दिया केदार यादव ने बॉल को, और मात्र सिंगल मिलेगा। First ball, and he's off the mark. स्ट्राइक पा चुके हैं शुभम गिल। और शुभम गिल मारने की कोशिश किया, लेकिन ये बॉल बीट हो गई, 0 रन मिलते हुए यहाँ पर। तीसरी बॉल यहाँ पर डालते हैं बॉलर, फुल लेंथ की बॉल है ये, शुभम गिल क्या करेंगे, फिर मारा लेकिन ये भी बॉल आउट की अपील, लेकिन यहाँ पर एम्पायर नॉट आउट देते हुए। और यहाँ पर बॉलर फिर से फुल लेंथ बॉल डालने की कोशिश, घुमा के मार दिया, लेकिन ये बॉल पे मात्र 1 रन मिलेगा। और पांचवी बॉल यहाँ पर डालते हुए बॉलर और शुभम गिल ने हवा में मार दिया बॉल को, उठा के शानदार छक्का यहाँ पर साहा के द्वारा, बहुत ही लंबा छक्का मार दिया साहा ने। और यहाँ पर आखिरी बॉल और एक बॉल में चाहिए 8 रन जीतने के लिए गुजरात को। क्या यहाँ पर गुजरात कुछ कमाल दिखा पाएगी, और पीछे मारने की कोशिश और ये भी बॉल पे 1 रन मिलेगा। And that's it, it's all over. Couldn't get a shot away. तो इसी के साथ यहाँ पर दिल्ली जीतती हुई गुजरात से